हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मानवीरन फैमिली। दोस्तों, आज है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम है ना रमीला मासी को ये जो मैंने कल बैग बनाया था ना उनके लिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा है। मस्त लग रहा है ना, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो ये मैं सबसे पहले रमीला मासी को देती हूँ, देखते हैं कि उन्हें कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं। पसंद तो आ ही जाएगा, लेकिन देखते हैं उनके क्या एक्सप्रेशन है। रमीला मासी आ જોયું તમે આ તમારો કપડો દીધો તો ને એનો બની ગયો બેગ મસ્ત બન્યો કેવો છે બહુત અચ્છા બન રહે બહુત અચ્છા બનાયા હે તો યે સાડી કા પીસ હે ના સાડી યે ના સાડી કા ટુકડા થા રમીલા માસી કે પાસ તો ઉન્હોને દિયા થા ઉન્હે ભી બહુત પસંદ થા ઇસકા કલર ઓર ડિઝાઇન तो बोली थी मस्त सा बैग बना कर देना। उन्होंने बताया था कि मुझे बैग चाहिए, बैग बना कर देना। तो बस कल मुहूर्त आ गया और बन गया। कब का दिया था रमीला मासी ने, सो वो तो हो गया है। चलो अभी है ना मैं ना एक टॉप बना रही हूँ समर के लिए, है ना सिंपल लूज टॉप बनाएंगे ना, तो मैं अम्ब्रेला टॉप बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरीके का लाइट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, बस सॉफ्ट फैब्रिक है एकदम। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ना कोई भी मेज़रमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पुराने टी शर्ट का, अपने पुराने टी शर्ट से मेज़रमेंट लूँगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। और इन्हें देखिए, ये आज है ना सुबह में जल्दी जल्दी बैठ गए, कल भी लेट हो गया था, तो आज तो सुबह से स्टार्ट कर दिया है उन्होंने अपना काम। क्योंकि अभी है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बार बार उसे उठना पड़ता है। जो पहचान के हैं और जिन्हें इनके बिना नहीं चलता है, ऐसे कई सारे पेशेंट होते हैं जो घर पर भी आते ही रहते हैं। सो गाइस, देखिए मेरा टॉप हो चुका है रेडी और मैंने पैन भी लिया है। गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है ये, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए ये गर्मियों के लिए है, तो मैंने इसे ज़्यादा फिट नहीं किया है। मस्त लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो ये आपको टॉप 3 वर्ड में मिल जाएगा। इस फैब्रिक का आपको वीडियो देखना है तो बस आपको ये वाला टॉप मिल जाएगा। बहुत बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली बना सकते हैं। एंड आज है ना हम लोग जा रहे हैं भचाऊ। वैसे तो हम कल जाने वाले थे, लेकिन मानवीर को कल छुट्टी है, हमें पता नहीं था। अब मानवीर को कल छुट्टी है, तो आज ही हम लोग निकलेंगे। तो ये देखिए मेरी सिस्टर भी आ रही है झूली वहाँ पर, वो सबसे छोटी है, तो उसने ये शॉल मंगवाए थे, मैंने वीडियो में दिखाए थे, तो उसने भी देखे थे, उसे बहुत पसंद आ गए थे, तो ये मैं उसके लिए लेकर जाने वाली हूँ। तो अभी हो गई है दोपहर, तो पहले हम खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। तो इसमें है मेरी सारी बैग जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है। ये ना मैंने प्लास्टिक बोरी का इस्तेमाल करके बनाया है, तो बहुत ही मस्त बना है। आवाज़ आ रही है, और अंदर इस तरीके से और अस्तर डाल दिया है। यहाँ साइड में पॉकेट बनाए हैं दोनों साइड, तो आप इस तरीके से प्लास्टिक बोरी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। एक और ये है, देखिए ये वाला है ना मैंने पुरानी पैंट से बनाया है, और इसके अंदर ना ही मैंने अस्तर का यूज़ किया है और ना ही फोम का। ये है ना पैंट का फैब्रिक ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और जब इसके अंदर हम सामान ऐड करते हैं ना, तो अपने आप ही बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाता है। और ये एक है, ये मैंने बनाया है पैंट पीस, तो इसमें भी मैंने फोम का और अस्तर का यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं पैकिंग कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, तो इसके शेप आपको अच्छे से पता चलेंगे। अभी निकलने की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हो गई नहीं मतलब पूरी होने वाली हैं। और ये देखिए चाय बनाई थी, चाय पी ली कटोरी में, और चीकू का जूस बनाया है मैंने। और यहाँ पर देखिए ये अपने लैपटॉप चार्जर ये सब रख रहे हैं, क्योंकि ये मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये सही बात भी है, मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो ये काम मैंने इन्हीं को दिया है, फिर हमें डांट नहीं मिलेगी ना कि मैं ये भूल गई। और मेरा सामान देखिए अभी मैंने सब निकाल दिया है, और बैग के अंदर डालना है बस। फाइनली अब हम निकल चुके हैं, कितना बज रहे हैं, पाँच बजे निकले हैं। कब से
चार बजे निकलने का मन था लेकिन 5 तो बज ही गए। सोनू को देखो, आज सोनू को भी लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम शायद 2 दिन रुकेंगे तो सोनू को अकेला कहाँ छोड़कर जाएंगे। सुबह में जाते और शाम को वापस आ जाते तो कोई बात नहीं होती है, हम उसे छोड़कर जाते हैं, लेकिन अब 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो सोनू साथ में जाएगा। क्या क्यों सोनू? सोनू को मानवीर ने अंदर बंद कर दिया है, अब कितनी देर कैसे बैठेगा वो देखना है। उसे बाहर निकलना है। बैठो जाओ। अभी तो अच्छे से बैठा है। थोड़ी देर भागम भागी की लेकिन अब बैठ गया है, सो रहा है। घर पर और बाहर ठाठ देखो कितने चेंज हो जाते हैं लोगों के। यहाँ पे तो हम राजा है, जिधर ले जाए उधर जाएंगे। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बचाओ और ये पी रहे हैं चाय। सोनू देखो चीटिंग कर रहा है। हमारे ससुर जी ने दी है सोनू, देखो सोनू को हर जगह पे अब चेकिंग चल रही है, पूरे पूरे घर की चेकिंग होगी। और ये देखिए, मेरी मम्मी भी यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं तो वो अपना वीडियो बना रही हैं, तो बैग बन गया है, कंप्लीट कर रही हैं। अगर आप मम्मी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऑल टाइम न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप मम्मी के बनाए हुए बैग देख सकते हैं। और ये देखिए, आधा घंटा हमें लेट करवाया इन्होंने अपना ये पार्सल लेने के लिए। क्या आया है? ये है हमारी बाइक की टैंक बैग, ये जो हाइनेस के, ये हाँ हाइनेस के, वैसे ये यहाँ मैग्नेट होता है, ये चिपक जाएगा सब जगह पे, ये हिलेगा नहीं वहाँ से, बिल्कुल पानी अंदर नहीं जाता, कोई भी सामान यहाँ मोबाइल रहता है, हम अगर चालू बाइक पे नेविगेशन पे जा रहे हैं तो इससे क्लियरली दिखेगा, अंदर मोबाइल डाल के बाइक पर लगा कर ही दिखाना। यहाँ पर दूसरा बिल्ला आया है, सोनू सोनू डर के वहां बैठ गया है, चुपचाप देख रहा है, ये भी बैठ गया है। लेकिन दोनों एकदम लड़ाई के मूड में, सोनू भी बहुत पीछे भाग रहा था, पकड़ के अंदर बिठाया है। यहाँ पर सीढ़ी पर बैठा है, उसे देख रहा है। सोनू भी जा रहा है। सामने कुत्ता खड़ा है, उसे देख रहा है। सब पे अटैक करने के मूड में आ गया है सोनू तो। ये देखो कैसे पकड़ने आ रहा था। इससे तो डर भी नहीं है, आराम से बैठा है। सोनू को अभी भी बाहर जाना है। ये मेरे पापा, उसने बिल्ली पत्र का पेड़ यहाँ पर लगाया है मेरा, तो उसे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो छाँव के लिए कुछ बांध रहे हैं। ये साड़ी का एक टुकड़ा है। ये घर के बाहर यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मम्मी ने पौधे लगाए हैं। ये जो जा रही है ना उसके अंदर पापा ने ये तो डंडे बांध दिए हैं और इसके ऊपर ये रख देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी छाँव। गाइस, आज नेक्स्ट डे हो गया है, कल रात को तो मैंने कोई वीडियो नहीं किया था फिर। और ये देखिए मेरी सिस्टर आई हुई है, ये इसका नाम जूली है, ये हम सबसे छोटी है, मतलब मुझसे और मेरे बाद है नेहा और उसके बाद ये जूली है, लेकिन ये हम दोनों से बड़ी दिखती है। और ये उसकी बेटी है, ये तो रियल में छोटी ही दिखती है। बहुत नींद आ रही है इसे अभी, रात हो गई है। और ये मेरी मम्मी, आप जानते होंगे, ये मेरे पापा। यहाँ पर देखिए मानवीर को तो बस मोबाइल के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है ना मानवीर, मोटू बताओ। और इन्हें आप जानते होंगे, आज है ना हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं फिर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये तो एक छोटा सा पैसे निकाल के देके आए, लेकिन इतनी सारी शॉपिंग नहीं की है। नहीं, काफी ज्यादा कर ली है। ये देखिए, ये छोटा सा पीस बचा हुआ था तो जूली ने ले लिया है। हर्ष के लिए वो कुछ बनाएगी, उसका भी यूट्यूब चैनल है उमा क्रिएटिव। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, ये मैंने लिया है, ये मैंने फैब्रिक लिया है। ये इस तरीके का सिंपल सा था, लेकिन तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसमें से लहंगा बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है और कैसा बना है, कलर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और इसके साथ मैंने लिया है ये दुपट्टा, ये देखिए, ये है बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, इस तरीके का है दुपट्टा। इसके साथ ये, इसके लिए पैर करने के लिए मैंने लिया है। कैसा लग रहा है? एंड इसका ब्लाउज है ना, मैंने काफ़ी सारे लखनवी फैब्रिक पे देखे लेकिन कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इस तरीके का सेम ही बनाने का सोचा है। क्या पैटर्न बनाऊँ इसमें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करना। और ये एक ब्लाउज था, मुझे लगा इस कोई भी साड़ी के साथ चल जाएगा, इसीलिए मैंने ले लिया है। रेड कलर का है, वी नेक है इसका, और बैक साइड पर इस तरीके के क्या लटकन है। ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, बस मैंने ले लिया है, आप लोग बताना कैसा है। उसके अलावा है ना, मैंने एक पूरा सेट लिया है, चने चोली टाइप है, और यह हमें अच्छा लगा और काफ़ी सस्ता भी लगा तो हमने तीनों बहनों ने ले लिया है। बुआ के घर पर जब शादी है तो सोचा कि तीनों बहनें एक साथ पहनेंगी। कलर अलग अलग लिए हैं लेकिन तीनों ने सेम डिज़ाइन ली है, तो मैं आपको तीनों कलर दिखाती हूँ, किस पर कौन सा जचेगा आप लोग बताना। ये ब्लाउज है, इसके साथ स्लीव्स हैं, मुझे स्लीवलेस पसंद नहीं है, हम तीनों को नहीं पसंद है इतना ज़्यादा, नेहा तो फिर भी थोड़ा सा पहनती है। देखो, और इसके साथ है ना, एकदम सॉफ्ट है, बनारसी टाइप का दुपट्टा है लेकिन काफी सॉफ्ट है। इसका दुपट्टे का कलर ये वाला है, तो एक ये है और बाकी के कलर क्या है। इसका दुपट्टा ब्लू कलर का, ये हमने नेहा के लिए लिया है, नेहा तो राजकोट है अभी, हम दोनों बहनों ने सिलेक्ट करके लिया है, उसे फोटो भेजे थे हमने। और इसके बाद क्या है, और ये तीसरा कलर, और इसका दुपट्टा रेड कलर का है। तो कैसा लग रहा है, लाल कलर जो एकदम चमक रहा है, तो किसके ऊपर कौन सा कलर जचेगा आप लोग ज़रूर बताना। और ये देखिए, मेरी नानी माँ है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हैं तो उन्हें एकदम सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए ब्लाउज़ बनाने के लिए, मम्मी स्टिच करती हैं तो वो उनके ब्लाउज़ बनाएंगे, तो उसके लिए सिंपल से सॉफ्ट सॉफ्ट फैब्रिक लिए हैं। और ये फैब्रिक कैसा लग रहा है, ये किसके लिए लिया है मैं आपको जल्दी ही बताने वाली हूँ, अभी नहीं बताऊँगी। और हर्षी को भी बहुत पसंद आया है, हर्षी बहुत पसंद कर रही है इसे, पसंद है ना तुम्हें? चतन सर जो हमें शॉपिंग करी, इन्हें नहीं पता, ये हमें मार्केट में छोड़ कर चले गए थे, इनसे पूछते हैं अब इन तीनों जो ये वाली चूड़ी है उस पे से मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कौन इन्होंने कौन सा सेलेक्ट किया है। सो गाइस, ये है हमारी शॉपिंग, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, सोनू भी आ गया है, क्या क्या लिया है हमने देखने के लिए। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। क्या नाम है बता दो, उमा क्रिएटिविटी।
उमा क्रिएटिविटी सर्च करना और वहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे बैग के वीडियोस देख सकते हैं, तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।